फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइक श्रद्धा। और आज मैं आप सबको बनाकर दिखाने वाली हूँ डोसा। तो फिर उसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए। मैंने इस बाउल से 3 बाउल चावल लिए हैं और 1 बाउल उड़द की दाल ली है। हमें इसको पहले ही दिन भिगोकर रखना पड़ता है और उसे मिक्सर में से निकालना पड़ता है। उसके लिए ये देखिए, उसका ऐसा आटा रेडी होता है। हमने डोसा बना लिया, लेकिन उसके लिए चटनी चाहिए, इसलिए मैं इस आटे को बाजू में रखूँगी और चटनी के इंग्रेडिएंट्स लूँगी। ये देखिए, हमें उसके लिए 5 इंग्रेडिएंट्स चाहिए। हरी मिर्च, जीरा, ये ग्रोनट्स यानी कि हमारे शेंगदाने, ये लहसुन, और हमें जितना नमक चाहिए उतना। अब मैं इन सब इंग्रेडिएंट्स को मिक्सर में से निकाल लूँगी। सब इंग्रेडिएंट्स को मिक्सर में से निकाल और ये देखिए, उसका ऐसा हमारा ये कुट रेडी हो गया है। अब हम इसको तड़का लगा लेंगे। फक्त हे दाखवतो, तुला पण दाखवा लागेल। ये देखिए, ये जो चटनी रेडी हो गई है, हमें उसको तड़का लगाने के बाद अब हम मैं आपको सबको डोसा बनाकर दिखाने वाली हूँ। अब हम फ्लेम को ऑन करेंगे। हम अब उसे 2 मिनट हीट होने देंगे। अब ये हमारा जो पैन है वो हीट हो गया है। अब मैं इस पर डोसा डालूंगी। अब हम उस पर थोड़ा सा जो ऑयल है वो छिड़केंगे और उसको ऐसे फैला देंगे। ये देखिए, हमें इस तरह से उसे ऑयल को हल्के से पसराना है। अब हम उसे ऐसे अच्छे से निकालेंगे। ये देखिए, हमारा डोसा निकलने लगा है। और ये देखिए, हमारा ये डोसा निकल रहा है। अब हम उसे रोल कर लेंगे। और मैंने हमारे इस डोसे को रोल कर लिया है। अब मैं उसे प्लेट में डालूंगी। ये देखिए, हमारा ये डोसा रेडी हो गया है। अब हम इसमें आलू की चटनी डालेंगे। देखिए, मैंने आलू की सब्जी उबालकर रेडी की है। आप हमें इस तरह से उसे रेडी करना है। और ये हमारा कम्प्लीटली डोसा रेडी हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड कमेंट शेयर ज़रूर करना। सब्सक्राइब करना भूलना मत। बाय।